गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम योर मैथ्स टीचर तो आज हम आपके मैथ्स के चैप्टर नंबर थ्री पढ़ेंगे हाउ मेनी स्क्वेयर्स हाउ मेनी स्क्वेयर्स में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था स्क्वेयर क्या होता है रेक्टेंगल क्या होता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं एरिया कैसे निकालते हैं ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया तो आप एक बार अब क्या करेंगे हम अब इसमें क्वेश्चन हमें दिया हुआ है मेजर द साइड्स ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डोटेड सीट ड्रा हीयर एज मैनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग ट्वेल्व सच स्क्स अब हमें इसमें क्या करना है जो आपको ये दिए हुए हैं ना स्क्र्स दिए हैं सबसे पहले तो जो रेड स्क्वायेयर दिया है इसमें आपको मेजर करना है वो कितने सेंटीमीटर का है तो सबसे पहले हम उसको मेजर करते हैं तो ये देखिए स्क्वेयर की साइड कितने सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर तो आपको पता है ना सिर्फ हमें एक साइड देखनी होती है बाकी सब हमारी इक्वल होती है तो हमारा स्क्वायर वन सेंटीमीटर का है तो अब हमें क्या कर रहा है हमने आ, मेजर कर लिया है ना वन सेंटीमीटर का स्क्वायर आया है अब हमें करना है ड्रा हे एज मैनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूज सच स्क्स तो हमें ट्वेल्व स्क्वायर्स लेके रेक्टेंगल बनाने हैं हमें ये देखना है कि इसमें कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं ओके तो आ, सबसे पहली बात क्या है इसमें हमें ट्वेल्व स्क्वायर ही लेने हैं इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते तो काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व तो ट्वेल्व स्क्वायर के देखिए मैंने पहले से ही रेक्टेंगल बना दिए एक हमारा ये बन रहा है एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है कि ये एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है आप देख सकते हैं इसमें भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व है तो हमने बना दिए अब हमारे कितने रेक्टेंगल बने हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक कितने बने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो इसमें क्या आएगा हमारा इसमें आएगा सेवन अब हमें क्या करना है अब हमें इन सब के पैरीमीटर निकालने हैं क्योंकि जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें इनके पहले पैरीमीटर निकालने पड़ेंगे तभी उनके आंसर्स हम दे सकते हैं तो पहले हम पैरीमीटर निकाल लेते हैं तो लेंथ और ब्रेथ निकालनी पड़ेगी ना पैरीमीटर निकालने के लिए तो तो इसकी एक की देख लेते हैं वन टू थ्री फोर इधर फोर है और वन टू थ्री इधर कितनी है थ्री तो इस एक की निकालने से ये भी हमारा ऐसा ही है ये 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 तो चार की निकल जाएगी तो इस फिगर का पैरामीटर निकाल लेंगे हम तो कैसे निकलेगा हमारा फॉर्मूला क्या आएगा हमारा फॉर्मूला आएगा टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रैकेट में लेंथ तो क्या करेंगे टू लेंथ हमारी कितनी थी लेंथ हमारी थी इसमें फोर सेंटीमीटर प्लस ब्रिथ हमारी है थ्री सेंटीमीटर ओके टू फोर थ्री कितने होंगे सेवन सेंटीमीटर और टू सेवन जा फोर्टीन सेंटीमीटर तो इसका कितना आया हमारा फोर्टीन सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ भी है फोर्टीन सेंटीमीटर तो एक का निकाल लिया ना तो ये भी निकल गया ये भी और ये भी अब हम इसका निकालते हैं इसमें इधर से कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इधर से टू तो इस वाली फिगर का निकालते हैं हम तो सेकेंड वाली फिगर का हम निकालते हैं सेम लगेगा हमारा फॉर्मूला तो क्या आया लेंथ हमारी उसमें क्या थी सिक्स सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी क्या थी उसमें टू सेंटीमीटर ओके तो टू सिक्स और टू कितने होंगे एट सेंटीमीटर तो टू एट जा सिक्सटीन सेंटीमीटर तो हमने इन फिगर का भी निकाल लिया फोर्टीन सेंटीमीटर इधर से इस रेक्टेंगल का भी निकाल लिया इसमें आया सिक्सटीन सेंटीमीटर तब तो हम किसका निकालना है अब हमें इनमें से एक का निकालना है क्योंकि इतना ही ये होगा और इतना ही ये होगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व है और इधर से वन सेंटीमीटर तो अब हम इसका पैरीमीटर निकाल लेते हैं तब तो हम इस फिगर का पैरीमीटर निकाल लेंगे तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा टू लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट में तो टू लेंथ तो हमारी कितनी है ट्वेल्व सेंटीमीटर प्लस वन सेंटीमीटर कितना होएगा थर्टीन सेंटीमीटर देखिए जहाँ पे कोई साइन नहीं होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई मान लेते हैं अगर ब्रैकेट हमारा शुरू हो रहा है और कुछ भी आ, नहीं है प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड तो वहाँ पे हम क्या मानते हैं मल्टीप्लाई तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर तब हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में हमसे लॉन्गेस्ट पैरीमीटर पूछा है तो सबसे ज्यादा पेरीमीटर किसका है अभी हम चेक करते हैं मैंने अभी करके दिखाया ना आपको तो इसका कितना है ट्वेंटी सिक्स इस वाले का सिक्सटीन सेंटीमीटर इस वाले का फोर्टीन सेंटीमीटर तो सबसे ज़्यादा किसका है ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर इसका है ना यहाँ पे आया अब हमें सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है स्मॉलेस्ट पैरीमीटर स्मॉलेस्ट पैरीमीटर किसका है देखिए देखिए यहाँ पे सिक्सटीन ट्वेंटी सिक्स फोर्टीन दशमस पेरीमीटर इस वाली फिगर का है इस वाली ये सब इक्वल है चार फिगर जो हमारी है चार पेरीमीटर सॉरी हमारे जो जो चार रेक्टेंगल है ये 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 सब में सब इक्वल है तो कितना आया फोर्टीन सेंटीमीटर अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर स्टैम्प हमें जो हमारे नेक्स्ट हमें क्वेश्चन मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग इन स्टैम्प्स को देखना है और तब हमें आंसर देने हैं तो सबसे पहले हमें इनका एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इनके एरिए की जरूरत पड़ेगी तो पहले एरिया निकाल लेते हैं तो हाँ इसका एरिया मैंने बताया था ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ ध्यान होगा ना आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में तो उससे ही हमें निकालना है तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री इधर थ्री और इधर सिक्स एक बार हम निकाल के देखते हैं तो एरिया देखिए एरिया हमारा इसमें क्या निकलेगा सिक्स सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थ्री सेंटीमीटर तो सिक्स थ्री जो कितने होंगे एटीन सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ओके तो अब देखिए हम बी फिगर का निकाल लेते हैं वन टू वन टू थ्री फोर तो फोर टू जाओ एट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका निकालते हैं वन टू थ्री वन टू तो इसमें क्या आएगा थ्री सेंटीमीटर मल्टीप्लाई टू सेंटीमीटर थ्री टू जा सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर ओके अब नेक्स्ट हम डी फिगर में करते हैं वन टू थ्री फोर वन टू थ्री तो थ्री फोर थ्री जा ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर वन टू वन टू 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 जा फोर सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें है हमारा वन टू थ्री फोर वन टू थ्री तो थ्री फोर जा कितने होंगे ट्वेल्व सेंटीमीटर तो ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी स्क्वायर सो वन सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर जो हमारी ए स्टैम्प है वो कितना एरिया कवर कर रही है अभी निकाला ना हमने तो क्या आएगा यहाँ पे एटीन सेंटीमीटर स्क्वायर एन स्टैम्प बी अब बी पूछा है बी हमने निकाला ना अभी एट सेंटीमीटर तो क्या आएगा यहाँ पे एट सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हैज द बिगेस्ट एरिया मतलब जो हमारी सबसे बिग uh, वाली स्टैम है देखिए इसका एटीन है ट्वेल्व फोर एट सिक्स तो कौन सी है 18 वाली मतलब ए है हमारी तो उससे ही हमें अब क्वेश्चन uh, पूछे गए हैं हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टेम तो कितना आया एटीन आया ना अभी तो एटीन स्क्वेर सेंटीमीटर ओके okay? अब हमारे से हमारा क्वेश्चन है टू हैव द सेम एरिया तो सेम एरिया कौन से कौन से का है इसका भी ट्वेल्व है और इसका भी तो ये डी और एफ तो डी और एफ का क्या है हमारा सेम एरिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इज द एरिया ऑफ इच ऑफ दीज स्टैम्स स्क्वायर सेंटीमीटर तो जो हमारी सेम है स्टैम्प उनका एरिया कितना निकला हमारा ट्वेल्व निकला ना तो यहाँ पे क्या आएगा ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर ओके okay?

और सबसे स्मॉलेस्ट वाली है जो स्मॉलेस्ट वाली का उसका फोर है तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे एटीन माइनस फोर क्या आ जाएगा फोर्टीन तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा फ़ोरटीन तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है आपको इस इसको अच्छे से पढ़ना है वैसे समझ में आ गया होगा आपकी क्योंकि मैंने आपको पूरा समझा दिया है अब आपको क्या करना है जो भी ये बुक में दिया है ये सब आपको होमवर्क में करना है और ये भी आपको ऐसे ही बनाने हैं ओके और फिर आप इसको पूरे को नोटबुक में उतारेंगे और होमवर्क करेंगे ओके थैंक यू